शांति शांति, वहां क्यों बैठी हुई हो? आओ ना मेरे पास। कौन? मैं? हाँ, तो डरती क्यों हो? आओ ना मेरे पास। ए जी, देखो ना ये आदमी मुझे बुला रहा है। शांति मेरी जान। जान के बच्चे, अभी निकालता हूँ तेरी जान। कौन? क्या हुआ? तुमने शांति को आवाज दी? हाँ, शांति मेरी बीवी। शांति मेरी बीवी? समझा, आपकी बीवी का नाम शांति है? जी हाँ। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ भाई साहब, क्या आप ही एक शांति का ठेकेदार हैं? क्या किसी और की पत्नी का नाम शांति नहीं हो सकता? तो क्या आपकी पत्नी का भी नाम शांति है? जी हाँ, और वो तीन बच्चों की माँ है। माफ करना भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? जी मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, तीर्थ यात्रा। भगवान से ये कहने के लिए कि हे भगवान, दुनिया में और भी तो घर है, और भी तो आंगन है, फिर वो हमारा ही छप्पड़ क्यों फाड़ता है बच्चे देने के लिए? अच्छा भाई साहब, आप दोनों पति पत्नी कहाँ जा रहे हैं? जी हम लोग भी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। भगवान से कहने, शादी हुए पूरे 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक उसने मेरे घर का छप्पड़ नहीं फाड़ा। नहीं, नहीं, नहीं। महीनों बाद आए हो, फिर भाग रहे हो? भागू नहीं तो और क्या करूं? क्या कहा? भागू नहीं तो और क्या करूं? तुम्हारे साथ रहना मुश्किल, तुम्हारे बिना भी रहना मुश्किल। अगर तुम्हारे साथ रहता हूं तो 3 बच्चों की जगह 4 बच्चे हो जाते हैं, और तुम्हारे बिना रहता हूं तो पिछले ये तीनों की याद बहुत आती है। बेटा महेश, माँ आ गए। हो गई तीर्थ यात्रा? हाँ माँ हो गई। ये तुम्हारे लिए जल ले आया हूँ, गंगा जल। गंगा जल? महेश भैया, अरे अरे क्या कर रहे हो? भैया तुम तो बहुत मोटे हो गए हो। भैया मेरे लिए कुछ नहीं लाए? ये है ना, ये है ना। थैंक यू, थैंक यू। अच्छी चीज है। परिवार नियोजन? भैया जी मैं इसे क्या करूंगा, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। नहीं वो शिखर ये मैं आपने लिए लाए हो। शरीर यहाँ क्या कर रहे हो? वो आबादी की रोकथाम पे किताब पढ़ रहा हूँ। क्या? आबादी की रोकथाम पे किताब पढ़ रहा हूँ, जो मुझे 6 साल पहले करना चाहिए था। फिर क्या होता? मेरी 3 मुश्किलें कम होती। तुम इन्हें मुश्किलें कहते हो? ये तो टुकड़े हैं मेरे दिल के। हाँ, तुम्हारे दिल के और टुकड़े न हो इसलिए मुझे बाहर सोना चाहिए। हाँ, हाँ, तुम्हें जरूर बाहर सोना चाहिए। चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ आती हूँ। चलो हम तुम्हें एक अच्छी सी बात कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जरा ऊंचा बोलो ना। मैं तुमसे बहुत, सारा घर उठ जाएगा, मैं क्या करूँ। ठहरो, ये क्या है? ये जादू की मशीन है, इसे अपने कान से लगा लो। लगाओ लगाओ लगाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार इतना खुरदरा होता है? नहीं, नरम होता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक बार फिर कहो। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देख लो, मेरे बेटे ने जरा सी घड़ी छुई, लहूलुहान कर डाला शेखर ने। मैं वक्त पर न पहुँचती तो शायद जान से ही मार डालते। मैं पूछती हूँ ये घर किसका है? मिस्टर धर्मदास का। ये जायदाद किसकी है?
मिस्टर धर्मदास की। तुम कौन हो इस घर में? मिस्टर धर्मदास का बेटा। मैं कौन हूँ इस घर में? मिस्टर धर्मदास की बहुरानी। महेश पिताजी आया, पिताजी आया। ओ मां नहीं था, ओ मां नहीं। महेश जी क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। यही तो तुम्हें बीमारी है, ना कुछ करते हो ना कुछ करने के काबिल हो। अरे मैं तो सिर्फ बी एल एल बी हूँ और तुम हो एम एल एल बी। तुम चाहते तो आज बहुत बड़े वकील बन सकते थे। पिताजी मैं वकील बनना नहीं चाहता। क्यों? वकील दूसरों के झगड़े की कमाई खाते हैं। मैं चाहता हूँ दुनिया में कहीं झगड़ा ना हो, चारों तरफ शांति ही शांति हो। शांति का बच्चा, वकील दूसरों के झगड़ों पर नहीं जीते बल्कि इंसाफ और सच्चाई की खिदमत करते। कल से जाकर तुम रामदास वकील के साथ काम करना शुरू कर दो, मैंने उनसे बातचीत कर ली है। जाओ। ओहो कौन है? अरे भाई, अरे आप? जी वो मुझे वकील साहब से मिलना है। क्या काम है आपको वकील साहब से? जी वो मैं उन्हीं को बताऊंगा। तो आप ऐसा समझ लीजिए ना कि आप वकील साहब से बात कर रहे हैं। लेकिन कैसे समझ लूं मुंशी जी, आप ही बताइए ना, क्या घोड़ा गधा हो सकता है? कैसे हो सकता है? और गधा घोड़ा हो सकता है? ये भी कैसे हो सकता है जनाब, गधा गधा है घोड़ा घोड़ा है। हाँ तो इसलिए जनाब मैं भी ये कहता हूँ कि वकील वकील होता है और मुंशी मुंशी होता है। करेक्ट। आपने तो कमाल कर दिया। अरे शंभूनाथ दुनिया को चक्कर खिलाता है और आपने शंभूनाथ को चक्कर दे दिया। ऐसा ऊपर वाले आप तो बड़े चालाक वकील साहब मालूम हैं। वकील वो सुप्रीम कोर्ट का फाइल कहाँ है? नमस्ते वकील साहब। ओ महेश तुम आ गए। शंभूनाथ आज से ये हमारे दफ्तर में काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। महेश बाबू मैं तो उसी वक्त समझ गया था जब आपने घोड़ों और गधों का मिसाल दिया था, लेकिन आप घबराओ मत, इस हाथ के नीचे से बहुत से वकील साहब पास होकर चले गए। हाथ बताइए। इन हाथों को देखो। देख रहा हूँ, सेहत अच्छी हो रही है तुम्हारी। ये नंगे हाथ हैं और बहू के हाथों को देखो, वो सोने से लदे हुए हैं। राम 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 राम। छोटी बहू के हाथ मैं देखूं, क्या मैं इतना बेशरम? बेशरम तो मैं हूँ जो सब कुछ सह लेती हूँ। टोकरी भर के सोना लाई थी इस घर में अपने मैके से, वो तो स्कूल की मास्टरनी है, मैं तो तहसीलदार की बेटी हूँ। तुम लोग ये भी भूल जाते हो। दिन में 100 बार तो सुनाती हो भगवान, कोई भूल सकता है? मैं कहती हूँ बहू को बहुत सा सोना दिया गया है और मुझे किसी ने चांदी का छल्ला तक नहीं दिया। तुमको भी तो सब कुछ मिला था ना, माँ ने हर चीज के दो सेट बनाए थे, एक तुम्हारे लिए एक बहू के लिए। कसूर माँ बहू का नहीं बल्कि तुम्हारे दिल का है जो हर किसी से जलता है। मेरी बात तो सुनो। आकर सुनूंगा। इस वक्त मैं एक बहुत बड़ा मुकदमा लड़ने जा रहा हूँ। फूट गए उसके भाग जिसका मुकदमा तुम लड़ोगे। घबराओ मत महेश बाबू, ये केस हमारे जेब में। आपकी जेब में? मेरे जेब में? हमारे जेब में है। अच्छा आइए, आप घबराइए मत, जल्दी केस पेपर तैयार कर दो। मुकदमा नंबर 12 पेश किया जाए। जैसा 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 मिलॉर्ड मिलॉर्ड, मुकदमा साफ है, सीधा है, अच्छा है। और क्या है? मुल्जिम ने हमारे मोकल की जमीन पर दीवार खड़ी की है। हाँ यस यस मिलॉर्ड, मुल्जिम ने दीवार पर मोकल को खड़ा कर दिया है। आर्डर आर्डर। मुल्जिम ने हमारे मोकल की जमीन पर दीवार खड़ी की है। हाँ, मुल्जिम ने हमारे मोकल पर मोकल खड़ा कर दिया। तो फिर क्या है? अरे मुल्जिम ने हमारे मोकल की जमीन पर दीवार खड़ी की है। मिलॉर्ड ये जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। मिस्टर महेश इस मुकदमे के वकील कौन है, आप या आपका मुंशी? मिलॉर्ड मिलॉर्ड माना ये तलाक का मुकदमा है, लेकिन कई बार तलाक का मुकदमा कत्ल के मुकदमे से भी ज्यादा संगीन हो सकता है। आदमी जो कत्ल होता है सिर्फ एक बार मरता है, मगर मेरे मौतों को रोजाना मरना पड़ता है। एक अच्छी औरत
घर को स्वर्ग बना देती है, मगर एक बुरी औरत इसी स्वर्ग को नर्क में बदल सकती है। ये औरत भी एक ऐसी ही औरत है, छिप छिप कर दूसरों की बात सुनती है, तीन बच्चों की मां है, देखभाल एक की भी नहीं करती। लौट शौहर गिड़गिड़ाता है, रोता है, मगर उसे किस बात की परवाह। वो 24 घंटे अपने शौहर को कोसती है, काटती है, नोचती है, भूनती है, तलती है। मिलान, मेरी एक ही दरख्वास्त है कि ये तलाक मंजूर किया जाए और उस मासूम आदमी को उस डायन के पंजे से छुड़ा लिया जाए। छुड़ा लिया था। आपका बेटा तलाक मांग रहा है मुझसे और वो भी इस उम्र में। क्या कह रही है बहू? माथा तो ठीक है ना तेरा? मेरा माथा ठीक है, उनका माथा चल के देखिए। आइए मिलान, घर में जितने फसाद होते हैं उसी से शुरू होते हैं और उसी में खत्म होते हैं। भाइयों में फूट वो डालती, आग पे तेल वो छिड़कती। सुन लिया माँ जी, मैं आग पे तेल छिड़कती हूँ। ये घर अब एक ही चीज से बच सकता है, तलाक से। तलाक? तुम्हें तलाक चाहिए? हाँ तलाक, इस बीमारी का यही एक इलाज, इस के खिलाफ यही एक बचाव है, तलाक। सुन लिया माँ जी। उठे, शर्म नहीं आती तलाक मांगते हुए? माँ, तलाक हर मर्द का हक है और इस हक के लिए मैं सिर्फ यही नहीं लड़ूंगा, हाई कोर्ट लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट लड़ूंगा। तुम देखना माँ, अगर मैं ये मुकदमा जीत गया तो सारे हिंदुस्तान के दुखी पति तुम्हारे घर के सामने क्यों लगा देंगे। अरे पगली, ये तलाक अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मांग रहा है। जो चीज आज दूसरों के लिए मांग रहे हैं कल अपने लिए मांगेंगे, उस वक्त मैं क्या करूंगी? उस वक्त तुम कोई दूसरा वकील कर लेना, मैं चला कचहरी। देख लो तहसीलदार की बेटी का क्या हाल हो रहा है इस घर में। बहू बालाजी के दर्शन करने जा रही है और मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं। जाने दो। क्यों? वो शेखर के साथ जा सकती है और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती? जरूरत नहीं। क्या? अपनी मन्नत के पूरे 3 हो चुके हैं, इस बार मैंने शेखर के लिए मन्नत मांगी। मन्नत तो मैंने भी मांगी थी, मैंने कहा था मेरा पाँव फिर से खाली होगा। फिर से चलोगे ना? नहीं, हरगिज नहीं। मैंने भी उल्टी मन्नत मांगी थी, मैंने कहा था जब तुम्हारा पाँव हल्का होगा तब दर्शन के लिए जाऊंगा। मिलाड, वो दिन कब आएगा? क्या कर रहे?